हेलो नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप लोग खरीफ के सीजन में यानी बारिश के मौसम में मक्का लगाने के बारे में सोच रहे हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बारिश के मौसम में मक्का लगाने का सही समय कौन सा है, मक्का लगाने के लिए कैसे ज़मीन का चयन करना चाहिए, मक्का की दर कितना होना चाहिए और कौन सा खाद डालना चाहिए मक्का लगाते समय ताकि क्या है आपको एक अच्छा पैदावार मिल सके। और साथ ही साथ बताऊँगा कि मक्का के बीज का सीड ट्रीटमेंट मतलब मक्का के बीज को उपचारित करना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी क्या है मक्का के खेती के बारे में A to Z एक बढ़िया जानकारी मिल पाएगी और मैं जिस जानकारी को दूंगा आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे खुलेआम जानकारी नहीं देगा। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा नहीं तो क्या है आपको एक सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल PM फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों खरीफ के सीजन में अगर आपको मक्का की खेती करना है यानी बारिश के मौसम में अगर आपको मक्का लगाना है तो उसका जो सबसे उत्तम समय रहता है जून से जुलाई महीना, इस महीने में आपको क्या है मक्का की बुआई कर देनी होती है तभी जाके आपको एक सही और अच्छी पैदावार मिल पाएगी। तो किसान भाइयों आप बात करते हैं कि ज़मीन की तैयारी आपको कैसे करना है और ज़मीन कैसे ज़मीन का चुनाव करना है ताकि आपको मक्का की एक ज़बरदस्त पैदावार मिल सके। किसान भाइयों बारिश के मौसम में अगर आपको मक्का लगाना है तो आप ऐसे ज़मीन का चुनाव कीजिए जहां पर जल निकास का व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि बारिश का पानी कब आ जाएगा इसका हमें पता या अंदाज़ा नहीं रहता है। इसलिए ऐसे ज़मीन का आप चुनाव करेंगे ताकि क्या है जल निकास का व्यवस्था बढ़िया से हो जाए, बारिश का पानी अगर आ भी जाए तो जल क्या है तुरंत से निकल जाए खेत से तभी जाके आपको मक्का की एक ज़बरदस्त पैदावार मिल पाएगी। किसान भाइयों और ध्यान रखिएगा, जब आप मक्का की बुआई करेंगे उससे पहले आप अपने खेत में 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद, सड़ा हुआ गोबर का खाद डाल देंगे और क्या है उसे अच्छे से जुताई करके रोटावेटर से मार देंगे ताकि क्या है गोबर का खाद और मिट्टी अच्छे से मिक्स हो सके। इससे क्या होगा आपका जो खेती का जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाएगा और लंबे समय तक बने रहेगा। किसान भाइयों ये तो बात हो गई कि आप अपने खेती का चुनाव कैसे करेंगे और खेती की तैयारी कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि बीज की दर यानी बीज की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए। किसान भाइयों बीज की मात्रा प्रति एकड़ आपको अगर हाइब्रिड बीज लगाना है तो प्रति एकड़ 6.5 से 7 kg बीज की मात्रा लेनी होगी। और किसान भाइयों अब मेन बात पर आते हैं कि अगर आप मक्का की बुआई करेंगे तो पौधे से जो पौधे की दूरी मतलब जब बुआई करेंगे तो बीज से बीज की दूरी 8 से 10 इंच होना चाहिए और कतार से कतार यानी लाइन से लाइन की दूरी आपका 2 फीट होना चाहिए तभी जाके आपको एक सही और अच्छी पैदावार मिल पाएगी। नहीं तो किसान भाइयों अगर इससे अगर आप घना लगा देंगे तो क्या है आपको जो मक्का का गेरा है वो अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों ध्यान रखिएगा कि आप बीज से बीज की दूरी मतलब पौधे से पौधे की दूरी आपका 8 से 10 इंच होना चाहिए और कतार से कतार की दूरी आपका 2 फीट होना चाहिए तभी जाके आपको मक्का की एक ज़बरदस्त पैदावार मिल पाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमें मक्का के बीज को उपचारित करके क्यों बोना चाहिए। अगर किसान भाइयों हम लोग अगर मक्का के बीज को उपचारित करके बोते हैं तो हमारे जो बीज का जर्मिनेशन है वो 100% होती है और साथ ही साथ बहुत सारे फंगस जनित रोगों से क्या है हमारा बीज सुरक्षित रहता है। तो मक्का के बीज को उपचारित करने के लिए आप मार्केट से कार्बेंडाजिम को खरीद लीजिए और प्रति 1 kg बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाकर उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप बीज की अगर बुआई करते हैं तो आपको आपका जो बीज का जो जर्मिनेशन है वो 100% होगी और साथ ही साथ बहुत सारे फंगस जनित रोगों से भी आपका जो पौधा है सुरक्षित रह पाएगा। किसान भाइयों आशा करता हूँ आपको मक्का बुआई से लेकर सीड ट्रीटमेंट से लेकर आपको ज़मीन की तैयारी कैसे करना है इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज दे सका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बात है किसान भाइयों वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपना भाई का चैनल प्रणव PM फार्मिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसान भाइयों धन्यवाद।